बाबा ने सती मां को आसन दिया और जैसी आसन पर सती बैठी तो समझ गई सब बात कि भोले बाबा ने हमारा परित्याग कर दिया। मन ही मन नेत्र सजल हो गए मां के, और क्षमा करना मेरे पागलो, तुम अपनी जिंदगी में परित्यागता से बचना चाहते हो निज संबंधों में, चाहे वो भाई का नाता हो, पिता का नाता हो, पति का नाता हो, पत्नी का नाता हो, गुरु का नाता हो, शिष्य का नाता हो, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा ये लोग परित्याग ना करें तो एक भूल तुम भूल कर मत करना, झूठ मत बोलना, जो हो वो बता देना, जो हो वो बता देना। भैया क्या होगा, अपने तो अपने होते हैं, वो तुम्हें गले लगा लेंगे। और झूठ बोलोगे और किसी के मन को ठेस लगेगा, उन्हें पता लग जाएगा ना भैया, तो तुम्हें परित्याग का दुख भोगना पड़ेगा। मां सती का परित्याग हुआ, सामने मां बैठी, भोले बाबा कथा कहने लगे, लेकिन तब तक देवता विमान लेकर कैलाश पर्वत से उड़े। क्यों? राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया और एक बार सम्मान समारोह में भोले बाबा का अपमान बहुत किया तो नंदी ने श्राप दे दिया। राजा दक्ष ने घोषणा की, आज के बाद किसी भी यज्ञ में भोले बाबा का कोई भाग नहीं होगा। हाँ, कोई भाग नहीं होगा। उसी अपमान का बदला लेने के लिए राजा दक्ष ने यज्ञ की, सब देवताओं को बुलाया पर भोले बाबा को नहीं बुलाया। अच्छा बताओ, पानी का जहाज हो तो पता है भैया, चलो यही